नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। काशीपुर, डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, दो सगी बहनें घायल। उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्कूटी सवार तीन लोगों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो बहनों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बड़ी बहन के देवर सलामत है। आनंद फानंद में घायल बड़ी बहन रीमा को निजी चिकित्सालय ले गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने भाग रहे डंपर चालक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की सूचना पर पहुंची पैगा चौकी पुलिस ने डंपर चालक को ग्रामीणों से छुड़ाकर हिरासत में लिया। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। किच्छा के आबादी क्षेत्र में घुसा सांबर, लोगों का लगा हुजूम। नगर पालिका आबादी क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 सिरौली में सांभर के आ जाने से आसपास के लोगों का हुजूम जमा हो गया। सांभर को लोगों ने स्कूल के परिसर में रोक कर रखा। इस दौरान सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सांभर को अपने साथ ले गए। वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि सांभर अपने दल से भटक कर आबादी क्षेत्र में आ गया। वहीं लोगों का कहना है कि आजकल जंगली जानवरों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जंगली जानवरों के आबादी क्षेत्र में आ जाने की घटनाएं आम हो गई हैं, परंतु खूंखार जानवरों के खतरे से अक्सर डर बना रहता है। 1 फरवरी से लच्छीवाला NH पर लगेगा टोल टैक्स, पढ़िए कितने पैसे देने होंगे। निर्माणाधीन देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में टोल बैरियर बनकर तैयार हो गया है। 20 जनवरी को टोल बैरियर के लिए ट्रायल शुरू करने की तैयारी है। ड्राई ट्रायल के बाद फरवरी के पहले सप्ताह से नियमित रूप से टोल टैक्स शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में इस हाईवे से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह नेगी का निधन, सैन्य सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। BSF में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात नरेंद्र सिंह नेगी की लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद उनका रुद्रप्रयाग घाट में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। गढ़वाल कमिश्नर ऑफिस में CM की छापेमारी, फाइलें देखने के लिए तोड़ना पड़ा ताला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाल कमिश्नर कार्यालय का सरप्राइज निरीक्षण किया। मौके पर कमिश्नर भी नहीं मिले। कुछ फाइलों के निरीक्षण के लिए ऑफिस का ताला तक तोड़ना पड़ा। अवैध शराब के साथ पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रांजिट कैंप पुलिस ने दो नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपी के पास से 144 पौवे देसी और 35 पाउच कच्ची शराब बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। SDM के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। अवैध वसूली करने वाले आरोपी के खिलाफ उप जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सिडकुल पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए करना होगा इंतजार। कोरोना मरीजों के साथ ही गर्भवती महिलाओं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजार करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी निर्देशों के अनुसार पिथौरागढ़ स्वास्थ्य विभाग ने इनके टीकाकरण पर रोक लगाई है। उत्तराखंड पुलिस रैंकर्स प्रमोशन परीक्षा की तिथि घोषित, अप्रैल माह तक होगी नई भर्तियां। उत्तराखंड पुलिस विभाग में पिछले 5 साल से रैंकर्स परीक्षा देकर प्रमोशन पाने वाले जवानों के इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा आगामी 21 फरवरी 2021 को रैंकर परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से की गई है। उत्तरकाशी में संगम चट्टी रोड पर घूमता दिखा गुलदार, वीडियो वायरल। उत्तरकाशी जनपद के केलशू घाटी की ओर वाहन से जा रहे लोगों को संगम चट्टी रोड पर गुलदार घूमता दिखाई दिया। गुलदार देखते ही लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद गुलदार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। UPCL में जल्द होगी सीधी भर्ती, 105 पदों पर भर्ती का रोस्टर तैयार। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में खाली पड़े 105 पदों पर सीधी भर्ती के लिए रोस्टर तैयार किया गया है। तरनगर विश्वविद्यालय से MOU करने के बाद सीधी भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं अब वेतन कटौती में UPCL के फील्ड कर्मचारियों के साथ ही MD समेत अन्य अधिकारियों को भी शामिल कर लिया गया है। CM ने ADM कार्मिक अरविंद पांडे को हटाया, विजिलेंस जांच के आदेश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविंद पांडे को कार्मिक विभाग से हटा दिया है। उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद CM ने उन्हें पद से हटाने और मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। रुद्रप्रयाग, रणबीर कपूर के साथ एनिमल मूवी में नजर आएंगी तृप्ति डिमरी। रुद्रप्रयाग की तृप्ति डिमरी रणबीर कपूर के साथ अगली फिल्म एनिमल करने जा रही है, यह जो इसी वर्ष रिलीज होगी।
रुद्रपुर में गुदड़ी के लाल का कमाल इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। रुद्रपुर रामपुरा निवासी 15 वर्षीय अभिषेक चंद्रा ने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। अभिषेक ने 1:58 में विश्व में के नाम बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा अभिषेक को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस के खिताब से नवाजा गया है। तांडव वेब सीरीज से साधु संत भी खफा, दोषियों पर NSA लगाने की मांग। वेब सीरीज तांडव के रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया। एक दिन पहले जहां हरिद्वार के साधु संतों ने इस सीरीज पर अपनी नाराजगी जताई, वहीं अब विहिप की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाली वेब सीरीज तांडव को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। हरिद्वार में इन्होंने इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी की। नौकरी पर रखने के लिए सफाई कर्मी की मां से अश्लील हरकत, सफाई नायक के खिलाफ FIR। जसपुर नगर पालिका में महिला से अश्लील हरकत करने वाले तैनात सफाई नायक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अधिशासी अधिकारी ने आरोपी को उसके पद से हटा दिया है। हरिद्वार में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा कठिन, पास करना होगा हाईटेक टेस्ट। परिवहन विभाग हाईटेक तकनीक तैयार करने जा रहा है। तकरीबन 80 लाख की लागत से टेस्ट ड्राइव रूट बनाने की तैयारी है। इस रूट में आधुनिक मशीनें, सेंसर और CCTV कैमरे की मदद से चालक का पूरा परीक्षण किया जाएगा। MBPG कॉलेज में 4G इंटरनेट सेवा शुरू, उच्च शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। कुमाऊं के सबसे बड़े MBPG कॉलेज में उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने 4G हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च तक प्रदेश के सभी कॉलेजों को वाईफाई सेवा से लैस कर दिया जाएगा, जिससे बच्चों को पठन पाठन में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूजीलैंड के व्यापारी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, देहरादून में FIR दर्ज। न्यूजीलैंड में भारतीय व्यापारी से फोन पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में देहरादून निवासी एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में व्यापारी की ओर से थाने में तहरीर भेजी गई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी लगातार फोन करके व्यापारी के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। भारत की जीत के हीरो बने ऋषभ पंत, घर में मना जश्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में भारत ने एक बड़ी ही शानदार पारी खेली है और ऑस्ट्रेलिया को हार की धूल चटा दी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के गाबा स्टेडियम में 32 साल बाद हारी है। मैच में मूल रूप से पिथौरागढ़ निवासी और वर्तमान में रुड़की में निवासरत विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 90 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं इस जीत का सहरा रुड़की के रहने वाले ऋषभ पंत के सर पर बंधा है। उनकी मां इन दिनों क्वारंटीन है, इसके चलते वो मीडिया के सामने नहीं आ पाई। लंबे समय से फ्लॉप चल रहे पंत ने आज विदेशी धरती पर जमकर बल्लेबाजी की, जिससे उनके आवास ढंडेरा अशोक नगर में क्षेत्रीय लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। लड़की को वश में नहीं कर पाया तांत्रिक, उतार दिया मौत के घाट, पुलिस ने किया खुलासा। लड़की को वश में करने को लेकर तांत्रिक को दी गई रकम डूबती देख युवकों ने तांत्रिक को गोली मारने की घटना को अंजाम दिया था। घटना का खुलासा रुड़की के गंगनहर कोतवाली में SSP हरिद्वार डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने किया। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में बीती 16 जनवरी को देर शाम कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी थी। घटना के खुलासे को लेकर हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी रुड़की के निर्देशन में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल और एक 315 बोर का तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अब 4 आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बनेगा कुलपति का आवास, मंत्री धन सिंह रावत ने किया भूमि पूजन। हल्द्वानी में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 87 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कुलपति आवास का भूमि पूजन किया। इस दौरान लाल कुआं विधायक नवीन टुमका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति सहित भाजपा के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को लेकर सरकार बेहद गंभीर है, जिस क्रम में आज कुलपति आवास का भूमि पूजन किया गया है और फरवरी माह में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 10 बड़े कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। राज्य सरकार लगातार उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की ओर काम कर रही है। मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, इसलिए यहां पर हर तरह की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस बार गैरसैंण में होगा बजट सत्र, सरकार ने मांगा जनता से सुझाव।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सत्र में राज्य के विकास का भावी रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समाज के प्रबुद्ध लोगों एवं युवाओं महिलाओं से पुनः अपील की है कि आपका बजट आपके सुझाव के तहत अपने अमूल्य सुझाव जरूर दें। अभी भी जो सुझाव प्राप्त होंगे उन महत्वपूर्ण सुझाव को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए जितने महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन सुझाव को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। बजट 2021-22 के लिए 20 फरवरी 2021 तक जनता के सुझाव मांगे गए हैं। इस पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि गैरसैंण का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इस पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि गैरसैंण का विकास सरकार की प्राथमिकता में है और इस बजट सत्र को तैयार करने को लेकर गैरसैंण में सरकार तैयारी कर रही है।